हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना गार्डन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म का, वो एंजॉय करते हुए, क्योंकि दिवाली आसपास है। और इसीलिए मैंने सोचा चलिए आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दे दूँ और छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर भी करूँ, जो मेरी हार्वेस्टिंग वीडियो है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपने टॉपिक के साथ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे गार्डन में हार्वेस्ट करने के लिए क्या है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मेरे गार्डन में, मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, जो ये बैंगन का पौधा है लॉन्ग वाला, तो लॉन्ग जो बैंगन लगते हैं इस पे, तो इसने इतने भर भर के मुझे बैंगन दिए हैं फ्रेंड्स। मैं थक भी गई हूँ, लेकिन जो भी बैंगन होते हैं वो हार्वेस्ट तो करने हैं फ्रेंड्स। देखें तो मैं आज भी इसकी सब्जी बनाने जा रही थी, तो सोचा चलिए आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ और मेरे गार्डन में क्या चीज़ हार्वेस्ट के लिए है वही आपसे शेयर करूंगी। तो देखें फ्रेंड्स, बैंगन काफ़ी अच्छे से बने हैं और इसका साइज़ देखें कितना कूल और कितना बड़ा है। देखिए मुझे तो ये बहुत पसंद आए फ्रेंड्स। देखिए कितने गुच्छों में इसके जो हैं बैंगन लगते हैं फ्रेंड्स, देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे भी आपको अपने बैंगन के पौधे दिखाती हूँ, जिस पर मैंने बैंगन काफ़ी अच्छे से पाए हैं और अभी भी काफ़ी बैंगन आ चुके हैं। देखें फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बैंगन के साथ साथ ये देखिए फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे से, साथ ही साथ फ्लावरिंग भी होती रहती है और बैंगन बनते रहते हैं फ्रेंड्स। देखें मैं काफ़ी हार्वेस्ट करती रहती हूँ। देखें फ्रेंड्स, मुझे इस बार तो बहुत ही अच्छे बैंगन मिले हैं। और ये देखें, ये ग्रीन वाला बैंगन है और एक इधर भी है, देखें फ्रेंड्स यहाँ पर भी है। तो जितने भी आज बैंगन के बैंगन लगे हैं वो मैं सारे हार्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी अच्छे बैंगन हैं इसमें, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही फ़ायदा है फ्रेंड्स अपने गार्डन में, किचन गार्डन में अपने कुछ सब्जियां उगा सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, अगर छोटी फैमिली है आपके पास तो ऑर्गेनिक सब्जी हम घर में यूज़ करते हैं, तो हेल्थ भी अच्छी लगती है, अच्छी हो जाती है फ्रेंड्स। और इससे अच्छा क्या है कि हमें बिना केमिकल के कोई सब्ज़ी मिले तो मच बेटर, क्योंकि इतना तो नहीं फ्रेंड्स कि हमें पूरा ही पड़ जाता है इतनी सारी सब इतना हल छोटी थोड़ी सी सब्ज़ी में, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स घर में अगर थोड़ी बहुत सब्ज़ी उगाई जाए तो बहुत खुशी होती है और मन भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जब हमारे गार्डन में अपने हाथों से थोड़ा कुछ वेजिटेबल निकले दो। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितने बैंगन निकले हैं। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सरसों उगाई थी, जो देखें काफ़ी अच्छे से इनके प्लांट्स बन गए हैं और सरसों भी आ गई हैं। लेकिन फ्रेंड्स इनको जो है हम इनको पिंचिंग सो छोड़िए फ्रेंड्स, ये जो प्रूनिंग है थोड़ी थोड़ी मैं इसको कट कर लूँगी आज, तो तभी ये आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि ये फिर से ये दोबारा ग्रो होगी अच्छे से, तो मैं ये भी साग में डालने वाली हूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं भी ये इनको आज सरसों जो है मैं कट कर लूँगी और मैं इसमें बैंगन की सब्ज़ी के साथ ही बना लूँगी। तो देख सकते हैं काफ़ी मैंने सरसों उगाई हुई है, जहाँ ये छोटी है वो मैं नहीं आज हार्वेस्ट करूँगी, जो मेरे पास बड़ी हो चुकी है वो मैं सारी की सारी हार्वेस्ट कर लूँगी फ्रेंड्स। और इधर हैं फ्रेंड्स ये मूली के लीव्स, जो मैंने आपको बताया था इसमें अगर कंडस्टर्ड इतना है कि इसमें मूली तो नहीं ग्रो हो पाएगी, तो मैंने इसके लीव्स लेने के लिए ही ऐसे ग्रो किया था। तो मैंने इसको अब सारे आज लीव्स उतार लेने हैं, जो एक आध मूली अच्छी से बनी होगी वही रखूँगी, बाकी मैं सारी हार्वेस्ट करके अपने बैंगन की सब्ज़ी में ही डालूँगी। तो इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है अगर आप आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ बनाते हैं इसे। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्यारा सा फूल ये सरसों का, देखिए यहाँ पर भी मैंने सरसों उगाई है, जो कि आज मैं सारी हार्वेस्ट करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स इस क्रेट में भी मेरी थोड़ी सरसों लगी है, तो मैं सारी की सारी आज हार्वेस्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं
हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं मुझे कितना ग्रीन सा ये देखिए साग मिल गया है। देखिए काफ़ी है और ये मेरी सब्ज़ी में बहुत ही टेस्टी बनने वाला है फ्रेंड्स। और देखिए मैंने जो बैंगन की हार्वेस्टिंग भी है वो भी कर ली है, और इसके साथ साथ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो ग्रीन वाले बैंगन भी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने फ्रेश हैं, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब मेरे गार्डन से सब्ज़ी निकलती है। तो फ्रेंड्स देखिए इस बार तो मैंने बैंगन की सब्ज़ी बहुत बनाई है और बहुत अच्छे से बैंगन की हार्वेस्टिंग की। तो फ्रेंड्स यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, आपको दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ फ्रेंड्स। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता क्या होता है दिवाली पे, दिवाली पे पता तो है फ्रेंड्स, लेकिन हम जो है सिर्फ क्रिसमस ही मनाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, एंजॉय दिवाली। ओके बाय।